वेलकम, मेरा नाम है मोहित और आपने इससे पहले मुझे राजस्थान ज्योग्राफी के एक वीडियो में शायद देखा हो। दोस्तों, आज हम जो है वो इंडियन पॉलिटी, भारत की जो राज व्यवस्था है उसमें जो भारतीय संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यानी प्रियम्बल जिसको बोलते हैं, यानी प्रस्तावना, उद्देशिका के नाम से जिसको जाना जाता है। देखिए, उद्देशिका है प्रियम्बल, इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप इस तरह के कोई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में तो आपको इम्पोर्टेंट रहेगा ही, अदरवाइज जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में तो एक सामान्य जानकारी जो है कि फीचर्स को कम से कम हमें सभी को अच्छे से पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत का जो संविधान है यह वह किताब है जिस किताब का निर्माण भारत के आजादी के बाद में किया गया, और भारत की संपूर्ण व्यवस्था जो है वो इस किताब के प्रावधानों, इसके प्रोविजंस के माध्यम से आगे बढ़ती है, सारी व्यवस्था उसके अनुसार चलाई जाती है। देखिए, भारतीय संविधान जो है उसका जो पहला पेज है उसको प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रियम्बल के नाम से जाना जाता है। इसको उद्देशिका भी बोला जाता है क्योंकि संपूर्ण संविधान के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को इस फर्स्ट पेज के ऊपर जो है वह अंकित कर दिया गया है, इसलिए इसको उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जब संविधान सभा, जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तब उद्देशिका प्रस्ताव जो है, उद्देश्य प्रस्ताव ये जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में रखा गया था, उसी उद्देश्य प्रस्ताव को थोड़ा जो है परिवर्तन करके और उद्देशिका के रूप में शामिल किया गया है। इसी वजह से उद्देश्य प्रस्ताव के नाम के आधार पर इसका नाम उद्देशिका रखा गया है। इसको उद्देशिका या प्रियम्बल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये आपने अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं तो आपने ज़रूर आपकी एनसीईआरटी की बुक्स जो स्कूलों में चला करती है उसमें आपकी फर्स्ट जो कवर पेज होता है या लास्ट पेज के ऊपर आपको प्रस्तावना उद्देश्य का जो मैंने यहाँ पे लिखी है ये आपको लिखी हुई मिल जाती है। और इसके अलावा एक मौलिक कर्तव्य, ये दो चीज़ें जो हैं संविधान के, ये आपको जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं या एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उन पर आसानी से देखने को मिल जाती हैं। इसलिए आपने पहले इन शब्दों को वहां पे देखा होगा लेकिन कभी आप समझ नहीं पाए होंगे शायद। तो देखिए, आज हम जो है वो इसको शॉर्ट वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम भारत के लोग, ये जो शुरुआत होती है इसकी प्रीएम्बल की वो होती है हम भारत के लोग से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये जो पूरा संविधान बनाया गया है, एक्चुअली ये जो प्रस्तावना है वो पूरे संविधान को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम भारत के लोग के माध्यम से ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो संपूर्ण संविधान है उसका निर्माण हम भारतीय लोगों द्वारा हुआ है, और ये जो पूरी तरह संविधान के जो उद्देश्य हैं, इसके जो भी प्रावधान है वो हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं, हमारे लिए ही बनाए गए हैं। जो लोकतंत्र की परिभाषा आपने अब्राहम लिंकन की सुनी सुनी होगी कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा किया जाने वाला शासन, तो उसी चीज को जो है यहाँ पे संक्षिप्त में ये हम भारत के लोग शब्द है यह प्रदर्शित करता है। आगे लिखा हुआ होता है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हम भारत के लोग भारत को बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोवरेन, यानी हम जो भारतीय जो है वो हमारे भारत के जो सभी प्रावधान है उनको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे। तात्पर्य यह है कि भारत के भीतर जो भारतीय कानून है वो सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, और भारत जो है वह बाह्य रूप से अगर हम देखें कि भारत बाहर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से स्वतंत्र है किसी भी देश के साथ कोई भी संबंध बनाने या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य होने या ना होने के लिए। ये जो सर्वोच्चता और स्वतंत्रता है ये इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने से प्राप्त होती है। इसके बाद लिखा हुआ है समाजवादी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशलिस्ट, यानी भारत का जो संविधान जो है वो समाजवादी प्रकार का है, यानी इस प्रकार के संविधान में जो समाजवादी प्रावधान से तात्पर्य ये है कि जो संपूर्ण जो संसाधन है उन संसाधनों के ऊपर समाज का सामूहिक रूप से और समान रूप से स्थायित्व होगा, ये होने का तात्पर्य है समाजवादी होना। इसके बाद देखिए पंथ निरपेक्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्युलर, यानी भारत में जो सभी जो धर्म होंगे, जो भी धर्म हो उस धर्म के लिए समान रूप से हक दिए गए हैं, यानी सर्वधर्म संभाव अगर संक्षिप्त में बोले तो पथ निरपेक्षता के माध्यम से सामने आता है। इसके बाद है लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी हमारा जो देश है, हमारी जो व्यवस्था है वो लोकतंत्रात्मक है, तात्पर्य यह है कि डेमोक्रेटिक है, यानी कि यहाँ पर जो सरकार है उसका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, जनता से ऊपर कोई नहीं है। और गणराज्य है, गणराज्य का मतलब यह है कि गण का राज्य, यहाँ पर आप यूँ कह सकते हैं कि हर गण जो हम गण हैं ये हमारा ही राज्य है, और हमारा जो प्रमुख है जो संविधान में राष्ट्रपति को निर्धारित किया गया है वह वंशानुगत नहीं होता,
वह हमारे द्वारा चुना जाता है, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। उसकी प्रोसेस अगर आपने पढ़ी हो तो वो हम, अगर आप इसे वीडियो को या आपको अच्छा लगे तो हम आगे जो है वो नेक्स्ट पॉइंट लेकर के आएंगे, उसमें धीरे धीरे जो है वो संविधान के फीचर्स को गहराई से देखने की कोशिश करेंगे, तब हम देखेंगे कि किस तरह से जो है राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। लेकिन यहाँ गणराज्य का तात्पर्य यही है कि हमारा जो अगर मुखिया है तो वह हमारे द्वारा चुना जाता है, वंशानुगत नहीं होता। आगे देखिए, इस प्रकार की व्यवस्था जो 1, 2, 3, 4 जो 4 शब्दों के अंदर जो व्यवस्था बताई गई है, इस प्रकार की व्यवस्था बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को यानी सभी लोगों को न्याय उपलब्ध करवाने के लिए, और न्याय भी कैसा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक प्रकार का न्याय, न्याय यानी जस्टिस, और सामाजिक प्रकार का न्याय यानी सोशल जस्टिस का तात्पर्य है कि समाज के जो सभी लोग हैं, चाहे वह जो आगे हैं या पीछे हैं, पिछड़े तबके से हैं या कोई भी हो, उनको समान रूप से जो है वो सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध हों, यानी अवसर आगे बढ़ने के अवसर समान रूप से प्राप्त हों, ये सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय का तात्पर्य है कि समाज के सभी आर्थिक संसाधनों के ऊपर सभी लोगों का समान रूप से हक हो। और राजनैतिक प्रकार के जो न्याय है, इसका तात्पर्य है कि देश की राजनीति के अंदर सभी लोग जो है वह अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें, ये है पॉलिटिकल जस्टिस। आगे दिया हुआ है स्वतंत्रता, इसको बोलते हैं लिबर्टी, और लिबर्टी किस बात की, विचार की लिबर्टी। आप जो सोच सकें, आप कुछ भी सोच सकते हैं, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, आप फेथ रख सकते हैं, आपके विश्वास को लेकर के लिबर्टी है, आपको धर्म के लेकर लिबर्टी है, और आपकी उपासना को लेकर के, यानी आप किसी भी धर्म रिलीजन जो है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, और आप उपासना यानी संबंधित जो धर्म है उसके संबंध में यदि आपके जो भी विश्वास हैं, जिस भी प्रकार की कर्मकांडी व्यवस्था आदि जिसको हम देखते हैं, जैसे कि पूजा करना है, मंदिर जाना, मस्जिद जाना आदि, ये उपासना के अंदर शामिल है, तो ये जो है आपकी लिबर्टी बनी रहेगी। आगे की हुई है समता यानी इक्वलिटी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, दो चीजों की समता। प्रतिष्ठा यानी कि देश के अंदर सभी लोग जो हैं उनकी प्रतिष्ठा को समान रखा जाएगा, कोई विशेष तरह की जो है वह टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे। आगे संविधान में आर्टिकल 18 के अंदर प्रतिष्ठा का अंत भी किया गया है, प्रोविजन ऑफ टाइटल्स भी किया गया है, तो वहां से उठा करके इस प्रतिष्ठा की समता जो है वो उपलब्ध करवाई गई है। और अवसर की समता, सभी प्रकार के अवसर, आगे बढ़ने के सभी प्रकार के अवसर जो है उनकी समता, जो कि हम आर्टिकल 16 के अंदर भी देखते हैं कि लोक नियोजन में अवसर की समता, तो ये यहाँ से रिप्रेजेंट है। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब ने व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बंधुता इसे बोलते हैं फ्रेटर्निटी इंग्लिश में, और व्यक्ति की गरिमा का तात्पर्य है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, प्रत्येक मनुष्य जो है, प्रत्येक व्यक्ति जो है वह केवल मानव होने के नाते ही एक विशेष प्रकार की आप यूं कहिए कि गरिमा के लायक होता है, उसी एक विशिष्ट गरिमा होती है। पशु में और मनुष्य में यही अंतर है, एक मनुष्य मनुष्य होने के नाते एक विशिष्ट गरिमा की योग्य है, तो वह व्यक्ति की गरिमा देने के लिए, और राष्ट्र की एकता जो नेशनल यूनिटी है, और जो अखंडता है यानी इंटीग्रिटी है उसको बनाए रखने के लिए, जो बंधुता है फ्रेटरनिटी, इस प्रकार की बंधुता हम सब में बनी रहे कि जो देश की एकता है वो बनी रहे, जो देश विरोधी ताकतें हैं वो देश को किसी तरह से तोड़ ना सके, और अखंडता यानी इंटीग्रिटी देश की जो है बनी रहे, इस प्रकार की बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, दोस्तों ये वो तारीख है जिस दिन संविधान सभा के अंदर संविधान बनकर पूरा तैयार हुआ और उसके ऊपर साइन किए गए, यानी 26 नवंबर 1949, जिसको हम संविधान दिवस के रूप में भी हर साल 26 नवंबर को मनाते हैं। इसमें तिथि दी हुई है और आगे लिखा हुआ है को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत करते हैं और अधिनियमित का तात्पर्य हो गया जिसको इनेक्ट हम करते हैं, और आत्मार्पित का मतलब हो गया यानी जिसको जो अवर सेल्फ को जो है वो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है वो उद्देश्य का यानी कि जो प्रस्तावना है, ये एक सामान्य जानकारी अगर आपको समझ आई हो तो मैंने कोशिश की है। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे, अगर आप इससे संबंधित कोई क्वेश्चन अगर आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखते हैं तो वो बेसिकली ये होते हैं कि मैंने यहाँ पे रेड मार्कर से लिखा है समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये जो तीनों शब्द हैं यह मूल संविधान में शामिल नहीं थे, यानी इस तारीख को जब संविधान बना तब ये तीन शब्द इस प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से ये जो तीन शब्द है सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीन शब्द जो है वो 1976 से संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। ये क्वेश्चन आपको सामान्य देखने को मिलता है। इसके अलावा मैंने ग्रीन मार्कर से यहाँ पे तीन वर्ड्स लिखे हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, यानी कि लिबर्टी, इक्विटी एंड फ्रेटर्निटी। ये जो तीन वर्ड्स हैं, ये तीन वर्ड्स
जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांस की जो क्रांति है वहां से हमारे संविधान में लिए गए हैं, और इन तीनों शब्दों को यूनियन ऑफ ट्रिनिटी माना गया है बाय बी आर अम्बेडकर के द्वारा। यानी ये तीन शब्द मिलकर एक यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, एक ऐसा ढांचा बनाते हैं जहां पर किसी भी एक चीज को यदि हटा दिया जाए, एक पिलर को हटा दिया जाए, तो जो पूरा ढांचा है वह ध्वस्त हो जाता है। इसको यूनियन ऑफ ट्रिनिटी के नाम से जाना जाता है, बी आर अम्बेडकर द्वारा दी हुई ये सिद्धांत है। तो ये तीन शब्द जो है वो यूनियन ऑफ ट्रिनिटी में शामिल होते हैं। ये क्वेश्चन भी आमतौर पर प्रस्तावना से देखने को मिलता है। इसके अलावा मैं आपको सामान्य जानकारी दूं कि जो प्रस्तावना जो है इसे संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, संविधान का परिचय पत्र कहा गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज इसे लाइक करिए, और नेक्स्ट जो है संविधान से संबंधित हमें टॉपिक अगर आपको पसंद आता है तो हम संविधान के जो टॉपिक्स हैं उनको शॉर्ट वीडियोस में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।